of origin. Removal of So first we discuss the rules how to shift the origin or removal of linear terms. So we are given an equation in x and y. In that equation, put x is equal to x dash plus h and y is equal to y dash plus k, right? After putting, we get a new equation, and here h and k are the points where we want to shift the origin. Okay, now we get a new equation which have x dash and y dash. Okay, now group the coefficients of x dash and y dash in that equation and equate them is equal to 0. After equating, we get the two values of h, we get two values, one of h and one of k, right? So we using h and k, we put in equation having these two terms, then we get a new equation. In that, the equation is in x dash and y dash. Okay, that is a required equation in which there is a x dash and y dash after putting the values of h and k. In that equation, put x dash is equal to x and y dash is equal to y. We get more clear about this topic by taking an example. So let's move to an example. Find the coordinate of the point on transferring the origin to which the equation x square plus 3xy plus 4y square minus 4x minus 6y plus 5 does not contain linear terms in x and y and the equation. इसमें क्या करना है, कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, दैट मींस h और k फाइंड करना है. h और k के बाद हमें एक न्यू इक्वेशन आएगी x डैश और y डैश में, और उसको जब हम ट्रांसफर कर देंगे x y में तो हमारे पास वो एक न्यू इक्वेशन आ जाएगी, वो भी फाइंड करनी है. इसमें दो चीज़ें फाइंड करनी है. तो हम सोल्यूशन देखते हैं इसका क्या होगा. पहले तो हमें इक्वेशन लिख लेनी है, ठीक है. अब फर्स्ट जो हमारा रूल नंबर स्टेप नंबर वन था कि x और y को ये चीज़ें पुट करनी है, तो हम पहले वो पुट कर देंगे, x को ये, y को ये. x को हमने पुट किया x डैश प्लस h, स्केयर है तो स्केयर लगाया. एक्स वाई को सिमिलरली यहाँ पुट कर दिया, y को y डैश प्लस k, ठीक है. यहाँ पर थोड़ा सॉरी, y को y डैश प्लस k, x को x डैश प्लस h, y को फिर से y डैश प्लस k, 5 कॉन्स्टेंट है तो ऐसे इज इक्वल टू 0. अब इस इक्वेशन को पूरा ओपन करना है, इन ब्रैकेट को ओपन करना है, फॉर्मूलाज लगाने हैं a प्लस बी का होल स्केयर का, ठीक है. इस पूरी इक्वेशन को हमें सॉल्व कर लेना है, मतलब इसको रिड्यूस कर लेना है. जो हमारे पास पीछे इक्वेशन आई थी उसको सॉल्व करने के बाद हमें ये इक्वेशन मिल जाएगी. ओके, इसको हमने स्टार नाम दे दिया. अब इसमें हमारे पास जो सेकेंड स्टेप था कि एक्स डैश और वाई डैश के जो कोफिशेंट्स हैं, वो टर्म्स हैं, उनको हमने ग्रुपिंग करनी है, उनकी मतलब अलग कर लेना है बाकी टर्म्स और सभी को अलग अलग कर लेना है जैसे, ठीक है. तो ये एक्स डैश वाले टर्म्स हैं, जैसे 3k 2h एक्स डैश माइनस 4, इन तीनों को हमने एक ब्रैकेट में कर लेना है. y डैश के कोफिशेंट्स को एक ब्रैकेट में कर लेना है. देखिए बाकी जो सेकेंड डिग्री टर्म्स हैं उनको एक ब्रैकेट में, और बाकी जो कॉन्स्टेंट टर्म्स हैं उनको एक ब्रैकेट में कर लेना है, राइट. अब क्या करना है, x डैश के कोफिशेंट को और y डैश के कोफिशेंट को इज इक्वल टू 0 करना है. इसको हमने इज इक्वल टू 0 किया, y डैश के कोफिशेंट को इक्वल टू 0 को किया. अब इन दोनों इक्वेशंस को हमने साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है. इनको सॉल्व करने के बाद हमें h और k की वैल्यूज आ जाएंगी. इन इक्वेशन को हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मैथड, एलिमिनेशन मैथड, सब्सटीट्यूशन मैथड किसी से भी सॉल्व कर सकते हैं, हमें h और k की वैल्यूज मिल जाएंगी. h की वैल्यू सॉल्व करने के बाद 2 आएगी और k की 0 आ रही है, ठीक है. अब 2 और 0 को हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे h और k की जगह पर, और हमें हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन मिल जाएगी. इसमें भी पुट कर सकते हैं, इसमें भी पुट कर सकते हैं. इसमें अगर हम 2 और 0 पुट करते हैं इस वाली इक्वेशन में या इस वाली इक्वेशन में, तो हमें ये इक्वेशन मिल जाएगी, ये वाली, ठीक है. ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन है. पर हमें क्या होता है, पता है कि हमें जो जनरल इक्वेशन होती है वो हमेशा एक्स और वाई में होती है, तो हम एक्स डैश की जगह पर एक्स कर देंगे और वाई डैश की जगह पर वाई कर देंगे सिर्फ, ठीक है. मतलब एक्स को एक्स में कन्वर्ट और वाई डैश को वाई में कन्वर्ट, तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी. थैंक यू.